हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये हमारे हाउसेज हैं, सोल्ड आउट सोल्ड आउट। ये भी अवेलेबल है, 4 BHK है 108 गज में। ये भी सेल पे है, ये भी 4 BHK है, ये भी 4 BHK है। सो 108 गज में बने हैं। ग्राउंड फ्लोर का मैं आपको काम भी दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको फ्रंट में जो हमारी 109 गज की लाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये घर अभी अवेलेबल है, ये वाला है, ये अभी हमारा बाकी है, सेल के लिए अवेलेबल है। ये 3 BHK हमारा, वो जो लास्ट वाले दोनों दिख रहे हैं वो हमारे सोल्ड आउट हो गए हैं। वो 4 BHK है। यहीं से शुरुआत कर देता हूँ मैं आपके लिए, काम कैसा है वो मैं दिखा देता हूँ। बनता हुआ घर हमेशा देखना चाहिए, बनने के बाद तो बिल्डर कुछ भी कर देता है। हम जितना भी बोल सकें आपका 100% सेटिस्फेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। ये आपकी कॉर्नर विंडो है, इसमें ग्लास लगेगा अभी। ये देखिए, यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा वुडन का। थोड़ा अंदर चलते हैं। ये हमारे मिस्टर जगदीश और राजा साहब, बहुत ही होनहार बंदे हमारे। हंस रहे हो हैं, वीडियो में आओगे तुम? अब चैनल सब्सक्राइब कराता हूँ तुम्हें अपना, देखते रहना फिर अपना ही काम टीवी में। ये फॉल सीलिंग है, किचन का एक्स्ट्रा सामान कुछ भी है। यहाँ पे अभी स्लैब आएंगे, थोड़ी थोड़ी स्लैब बनेंगी और इस पर अभी सनमाई का चढ़ना बाकी है। आपका LCD पैनल, आपका कपबोर्ड का बॉक्स। बनते हुए घर को देखना चाहिए, बनने के बाद तो हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें। ये आपका वॉशरूम, अभी तक हमारा जो रिकॉर्ड रहा है हमने आज तक कोई कोठी रेडी टू मूव बेची नहीं है, क्योंकि हम अंडर कंस्ट्रक्शन ही सेल कर देते हैं। राजा लग जाने 4 दिन, और ऊपर वाला 1 BHK, ऊपर वाला जो 1 BHK है, हफ्ता मतलब है 10 दिन ना, 10 दिन है। थोड़ा मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ। पहले मैं ये भी आपको दिखा दूँ, इनमें भी अभी काम चला हुआ है। बाहर से ऐसा लगता है रेडी टू मूव है, बट अभी 15-15, 20-20 दिन का काम हमारे पास बाकी है। ये तीनों घर हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर सेल 108 गज में, नॉर्थ फेसिंग। ये देखिए, यहाँ पे भी हमने थोड़ा फॉल सीलिंग का कुछ पार्ट यूज़ किया है। ये आपका किचन,
1 BHK है, कोई अगर लेता है तो ऊपर से रेंट पे भी छोड़ता है, तो ऊपर के फ्लोर से आपको इजीली 10,000 रुपये रेंट आ जाएगा अगर सामान आप सारा लगा के दे देते हैं तो। ये आपका वॉशरूम, ये आपका रूम आ जाता है। रूम का जो साइज़ है वो है 12x13 का। ये कपबोर्ड इसकी रेडी होगी, ये अंदर फिक्स हो जाएगी दीवार में। ऊपर हमने फाल सीलिंग नहीं दी है, नॉर्मल POP करा के दी है। ये आपका बैक एरिया, इसको भी हमने टाइल से कवर कर दिया। ये पीछे वाले जो 4 घर हैं, इसमें से हमारे पास जो अवेलेबल है अभी ये वाला घर, वो भी सोल्ड आउट है, वो भी सोल्ड आउट है, उससे साथ वाला भी हमारा पहले बिक चुका है, ये वाला साथ वाला भी अपना ही है। यहाँ पे लाइट्स आनी है तीनों तीनों बॉक्स में। वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि आपको डेली अपडेट आते रहे। इनकी भी फेसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए।